स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के अर्थशास्त्र की आपकी जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 भारत में खाद्य सुरक्षा, इसके प्रश्नोत्तर हैं वो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है। तो भारत में खाद्य सुरक्षा है वो 3 मेथड से सुरक्षित की जाती है। फर्स्ट है कि खाद्य उत्पादनों में सुधार, सेकंड है बफर स्टॉक को बनाए रखना। अब आपके प्रश्न आ रहा होगा कि बफर स्टॉक क्या होता है। बफर स्टॉक का मतलब है कि हमारी जो सरकार है वो संकटग्रस्त स्थितियों के लिए जो खाना है उसको इकट्ठा करके रख लेते हैं, ताकि जब भी देश में जरूरत पड़े तो उसको देश के लोगों को बांट दिया जाए, इसे बफर स्टॉक कहते हैं। थर्ड है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है कि इसमें सरकार है वो निर्धन वर्ग के लोगों को कम कीमत पर राशन की दुकानों के माध्यम से जो खाद्यान्न है वो उपलब्ध कराती है। तो ये 3 मेथड्स है जिनसे भारत में हम ये कह सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। तो खाद्य असुरक्षा से सबसे अधिक प्रभावित लोग कौन से होते हैं, जो बहुत जिनके पास भूमि ही नहीं है, मतलब भूमिहीन गरीब, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग और स्वरोजगार श्रमिक और भिखारी। तो ये सबसे अधिक प्रभावित लोग हैं खाद्य असुरक्षा से। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में जो लोग कम वेतन वाली नौकरियां और जो मौसमी कार्यों में कार्यरत हैं वे इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन से राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त है। तो भारत के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के कुछ भाग जो है वो खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न के लिए आत्मनिर्भर बना दिया है तो कैसे। तो हरित क्रांति कब आई थी, 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति आई थी। उस क्रांति के कारण भारत का जो खाद्यान्न का उत्पादन और उत्पादकता दोनों में ही वृद्धि हुई। इस प्रकार हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत में एक प्रकार हम कह सकते हैं कि खाद्यान्न का जो उत्पादन है उसमें उल्लेखनीय प्रगति हुई। विशेषकर गेहूं और चावल है, इनके उत्पादन और उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिली थी। और देश में जो हरित क्रांति थी उसके अंतर्गत उच्च उत्पादकता वाले बीजों का उपयोग किया गया था और रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उपयोग से जो फसल है उनके उत्पादन में भी वृद्धि हुई थी और सिंचाई सुविधाओं का भी इस क्रांति के बाद तेजी से विस्तार हुआ और कृषि में विभिन्न प्रकार के यंत्रीकरण का प्रयोग किया गया, जिससे सिंचाई सुविधाओं का और विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं उनके उत्पादन में भी वृद्धि हुई थी। इन सब के फलस्वरूप खाद्यान्न का जो उत्पादन में भारत है इस क्रांति के बाद आत्मनिर्भर हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न के लिए आत्मनिर्भर बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोगों का एक वर्ग अब भी खाद्यान्न से वंचित है, कैसे, व्याख्या कीजिए। यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य व पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में है ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन परिवार, जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर है, कम वेतन पाने वाले लोग, शहरों में मौसमी रोजगार पाने वाले लोग। वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। और खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बहुत बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में लोगों का एक वर्ग अभी भी खाद्यान्न से वंचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई आपदा आती है तो खाद्य की पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है। प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में एक प्रकार से गिरावट आती है और इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्यान्न है उसकी कमी हो जाती है, और खाद्यान्न की कमी जब भी होती है तो वहां पे कीमतें बढ़ जाती है और कुछ लोग ऊंची कीमतों पर जो खाद्य पदार्थ है वो नहीं खरीद सकते हैं। अगर यह आपदा अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भुखमरी की स्थिति भी पैदा हो सकती है और अकाल की स्थिति भी बन सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब भी कोई आपदा आती है तो खाद्य आपूर्ति पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसमी भुखमरी और दीर्घकालीन भुखमरी में भेद कीजिए। दीर्घकालीन भुखमरी तो यह मात्रा या गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। जैसे किसी पर्टिकुलर इंसान को जितने कैलोरी की पर डे की आवश्यकता होती है वो कैलोरी अगर उससे नहीं मिल पाती है तो हम कह सकते हैं वो एक दीर्घकालिक भुखमरी का शिकार है। गरीब लोग होते हैं वो अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दीर्घकालीन भुखमरी से ग्रस्त होते हैं। दूसरी होती है मौसमी भुखमरी। तो मौसमी भुखमरी का अर्थ होता है कि यह फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंधित है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि क्रियाएं हैं वो मौसमी प्रकृति के कारण और नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है।
जब भी फसलें नहीं होती है तो उनमें काम करने वाले लोग हैं वो भुखमरी का शिकार हो जाते हैं। जैसे बरसात के मौसम में अनियत निर्माण श्रमिक को कम काम रहता है। नगरीय क्षेत्रों में जैसे देख सकते हैं कि बारिश हो रही है, बारिश के कारण है वो वर्कर्स है वो काम नहीं जा पाते, और काम नहीं जा पाते तो हम कह सकते हैं कि वो मौसमी भुखमरी का शिकार हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया है, सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं दो योजनाओं पर चर्चा कीजिए। तो भारत में गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं, जैसे बफर स्टॉक की व्यवस्था। इसके अंतर्गत सरकार क्या है कि भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से किसानों से उचित कीमत पर जो अन्न है उसको खरीदती है और उसका भंडारण करती है, तथा निर्धन लोगों को बहुत ही कम कीमत पर उसको बेचती है। दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था। तो इस प्रणाली व्यवस्था के अंतर्गत सरकार है वो उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से निर्धनों को आवश्यक वस्तुएं हैं वो बहुत ही कम कीमत पर बेचती है। नेक्स्ट है कि अनेक कार्यक्रम व योजनाएं सरकार खाद्य सुरक्षा हेतु अनेक कार्यक्रम व योजनाएं है वो चलाई है, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, अंत्योदय अन्न योजना, दोपहर का भोजन योजना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। तो इस प्रकार की अनेक योजनाएं वो सरकार ने गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु चलाई है। इनमें से कोई भी दो योजनाएं है वो हम देखते हैं। फर्स्ट है कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। यह योजना 14 नवंबर 2004 को प्रारंभ की गई। यह कार्यक्रम उन सब ग्रामीण गरीबों के लिए था जिन्हें वेतन पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं। इसमें मजदूरी के रूप में नकद व अनाज प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम को 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में भी लागू किया गया। इसे अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में मिला दिया गया है, जो मनरेगा भी कहलाता है। नेक्स्ट है कि अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना है, इसकी शुरुआत दिसंबर 2000 में प्रारंभ की गई थी और इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई, जिन्हें 2 रुपए किलो में गेहूं तथा 3 रुपए किलो में चावल का कुल 25 किलोग्राम अनाज है वो उपलब्ध करवाया गया। और वर्तमान में इस योजना से लाभान्वित लोगों की जो संख्या है वो 2 करोड़ हो गई है, तथा अनाज की जो मात्रा है वो भी बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दी गई है। तो यह है अंत्योदय अन्न योजना। नेक्स्ट है कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है। तो सरकार के बफर स्टॉक बनाने के 2 कारण है। पहला है कि देश में खाद्यान्न की कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के निर्धन लोगों को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध करवाने के लिए, और सेकंड है देश में आपातकाल या अन्य किसी विपदा के समय अनाज उपलब्ध करवाने के लिए, इसलिए सरकार बफर स्टॉक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिप्पणियां लिखिए। न्यूनतम समर्थित कीमत। तो न्यूनतम समर्थित कीमत वह कीमत है जिस पर सरकार भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों से अनाज खरीदती है। अर्थात जब भी किसानों की कोई भी फसल उत्पादित होती है तो उनकी एक मिनिमम सेलिंग प्राइस है वो फिक्स होती है, उसी पर सरकार उनसे वह अनाज खरीदती है। नेक्स्ट है कि बफर स्टॉक। बफर स्टॉक है वो भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज गेहूं और चावल का भंडार होता है। नेक्स्ट है निर्गम कीमत। तो जब सरकार द्वारा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है तब उस कीमत को निर्गम कीमत कहते हैं। नेक्स्ट है उचित दर की दुकान। उचित दर की दुकान अथवा राशन की दुकान वे है जिनके माध्यम से सरकार निर्धन लोगों को अनाज का अत्यंत कम मूल्य पर वितरण करती है। नेक्स्ट है कि राशन की दुकानों के संचालन में क्या क्या समस्या है वो आपको बताना है। तो राशन की दुकानों के संचालन में सबसे बड़ी समस्या है कि संचालकों द्वारा की जाने वाली बेईमानी। राशन की दुकानों में डीलर क्या करते हैं, खाद्यान्न और अन्य वस्तुएं है वो अधिक लाभ पर खुले बाजार में बेच देते हैं। इसके अतिरिक्त ये डीलर अच्छा अनाज है वो तो बाजार में बेच देते हैं और राशन की दुकानों पर घटिया अनाज का वितरण करते हैं, और राशन की दुकानें समय पर कभी खोली नहीं जाती है। इसके अतिरिक्त जो राशन की दुकानें हैं वो डीलर है वो कम तोल के द्वारा भी बेईमानी करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राशन की दुकानों के संचालन में सरकार के सामने कई प्रकार की समस्याएं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों की भूमि पर एक टिप्पणी लिखिए। तो सहकारी समितियां हैं वो निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत की दुकानें हैं वो खोलती है। जैसे हम देख सकते हैं कि दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर दूध व सब्जियां हैं वो उपलब्ध करवाती है। गुजरात में अमूल के प्रयासों के फलस्वरूप ही श्वेत क्रांति का जन्म हुआ है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ने विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में भी सहायता की है। उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है खाद्य सुरक्षा के संबंध में सहकारी समितियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। थैंक यू सो मच।